सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, यहाँ पर आज एक बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूज आई है डीएलएड 2023 बैच के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया है कि अगर एक बार आप लोगों ने काउंसलिंग के टाइम पर अगर कोई कॉलेज लॉक कर लिया है तो आपको उसी में एडमिशन लेना होता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि आप लोगों को दोबारा काउंसलिंग में भी बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या शर्त है इसको भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब आप संस्थान भरोगे तो आपको 5,000 रुपये शुल्क देने होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, संस्थान का चयन करने से पहले आपको शुल्क देना होगा, क्यों देना होगा, और अगर आप दूसरी बार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लोगे तो क्या फिर 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो ये न्यूज़ इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके एडमिशन से संबंधित है, आपकी काउंसलिंग से संबंधित है। तो ध्यान से देखिएगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 12 सितंबर को स्टेट रैंक जारी कर दी जाएगी। यानी कि आपकी रैंक क्या 1 है, 2 है, 100 है, 1,000 है, 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, आपकी रैंक क्या है ये 12 सितंबर को आपको पता चल जाएगा। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपये अलॉटमेंट फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। ठीक है, आप लोगों को कॉलेज चयन से पहले अगर आपका जो स्टेट रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज मिल रहे हैं उन कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको 5,000 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। इसके बाद ही अभ्यर्थी अपनी पसंद के कितने भी प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प ऑनलाइन भर सकेंगे। पहले आपको 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा, फिर उसके बाद आप अपने मन पसंद जो प्रशिक्षण संस्थान है यानी कि जो डीएलएड के कॉलेज है, चाहे वो डायट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, तभी आप उनका ऑप्शन भर पाओगे। इसमें पहली बार अभ्यर्थियों को यह अवसर दिया जा रहा है कि पहली काउंसलिंग में मनपसंद कॉलेज नहीं मिलने पर वह दूसरी काउंसलिंग में भी हिस्सा ले सकेंगे। ठीक है, अब अगर पहली काउंसलिंग में मान लो 10 कॉलेज आपने भरा, 10 में से आपको एक भी मनपसंद कॉलेज जो आपको कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज नहीं मिला, तो आप सोच रहे हो कि जब दूसरी काउंसलिंग होगी तो मैं दूसरी काउंसलिंग में बैठ करके अपना मनपसंद कॉलेज ले लूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखिए, लेकिन इसके लिए भी 5,000 रुपये जमा करने होंगे। यानी कि एक बार आपने 5,000 रुपये जमा किए, फिर आपको करीब 10 कॉलेज चूज करने का मौका मिला, फिर अगर इसमें से आपको कोई पसंद नहीं आया और आप सेकेंड काउंसलिंग में बैठ रहे हो अपना फिर से मनपसंद कॉलेज चुनने के लिए, तो फिर आपको 5,000 रुपये देने होंगे। ठीक है, इसके पूर्व सीट आवंटन के बाद दूसरी काउंसलिंग में सम्मिलित होने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी का स्टेट रैंक ही चयन का आधार होगा। अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प लेने एवं आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश काउंसलिंग की कार्रवाई 2 चक्रों में की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो काउंसलिंग होगी आपको, एक बार फर्स्ट काउंसलिंग होगी, फिर सेकेंड काउंसलिंग होगी, दो ही काउंसलिंग होगी। उन्होंने बताया कि सीट आवंटित होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क के रूप में जमा की गई अलॉटमेंट फीस वापस नहीं की जाएगी। यानी कि अगर 5,000 रुपये दे दिए आपने, आपको कॉलेज मिल गया फर्स्ट काउंसलिंग में ही और आप जा करके एडमिशन नहीं ले रहे हो, आप प्रवेश नहीं ले रहे हो, तो आप सोचोगे कि आपको 5,000 रुपये वापस मिल जाए, तो वो वापस नहीं मिलेंगे। इसके बाद उस अभ्यर्थी को अगले चक्र की काउंसलिंग में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए पुनः 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको, आपने 10 कॉलेज का ऑप्शन भर दिया पहली काउंसलिंग में और आपने फिर 5,000 रुपये दे दिए। देने के बाद जब आप देखते हो कि 10 कॉलेज में से आपका जो मनपसंद कॉलेज था वो आपको नहीं मिला, तो फिर आप सेकेंड काउंसलिंग में बैठोगे। चूंकि 5,000 रुपये जो आपने दिए थे उसी पैसे के आधार पर आपको कॉलेज मिल गया, लेकिन आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हो और आप चाह रहे हो सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर से 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, तब आप सेकेंड काउंसलिंग में भाग ले पाओगे और तब आपको नया कॉलेज मिलेगा, फिर आपको 5,000 रुपये और देने पड़ेंगे। ठीक है,
यह व्यवस्था पहली बार की गई है। पहली काउंसलिंग की अलॉटमेंट फीस वापस नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी बार बार काउंसलिंग में हिस्सा लेकर सीट खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब फीस वापस नहीं होगी तो कोई भी बार बार काउंसलिंग नहीं कराएगा। प्रवेश प्रक्रिया में आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच के दौरान सीट मिलने की पुष्टि होने पर अभ्यर्थी पुनः कंफर्म फीस के रूप में 5,000 रुपये जमा कर अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा यहाँ पर है आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि आपके टोटल 10,000 रुपये खर्च होंगे आपको पूरा अलॉटमेंट, जब तक कॉलेज आपको मिल नहीं जाता, अलॉटमेंट लेटर जब तक आपको नहीं मिल जाएगा। जब एक बार आपको आपने 5,000 रुपये दिए, आपने कॉलेज चूज किए, कॉलेज आपको मिल गया, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए फिर कंफर्म फीस आपको देनी होगी कि हाँ ये एकदम मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं यही कॉलेज ले रहा हूँ, तो फिर 5,000 रुपये आपके लगेंगे और फिर उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट मिल जाएगा, उसको लेकर के आप कॉलेज में चले जाओगे जहां पर भी आपका एडमिशन हो गया है या जिस भी कॉलेज का अलॉटमेंट आपको हो गया। तो ये पूरी प्रक्रिया थी दोस्तों। तो पहली काउंसलिंग अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है आपके घर के पास, चाहे वह डायट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, तो आप लोग उसको जरूर ले लीजिएगा। और बहुत जरूरी है डीएलएड में क्लासेस करना, टाइम से सारे विषयों को अच्छे से पढ़ना। और आप लोगों को पता है कि जो ये जो हमारा चैनल है टारगेट यूपी टेट सीटेट, ये पिछले 4 साल से ऊपर हो गया लगातार डीएलएड के बच्चों को पढ़ा रहा है और लगातार अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर के ये चैनल आता है, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं और इसी वजह से आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे विषयों को लिख करके नोट्स बना करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, हर विषय का खुद से लिखा हुआ नोट्स बनाते हैं। और दोस्तों सारे के सारे विषयों की पढ़ाई जो है आप लोग शुरू कर दीजिए, 8 विषय हैं टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सारे विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी। और डीएलएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी, आपके एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, आपको सारी की सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सारे वीडियोस को सही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।